हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवशंकर सिंह, आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MLM शंकरा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि यूटैग एप्लीकेशन से डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन में वीडियो का लिंक देखने को मिला है। सिंपल सा आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेंगे या आपको वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को आप देख लेते हैं, यदि आप उतना प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी आपको खुद कॉल करती है और कॉल करने के बाद दोस्तों आपको कंपनी को व्हाट्सएप करना रहता है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिग्नेचर। दोस्तों, यदि आप ये तीनों चीज़ कंपनी को यदि आप सेंड कर देते हैं तो दोस्तों कंपनी आपको खुद से डीमैट अकाउंट को अप्रूव करके दे देती है। यदि आप ये सभी प्रोसेस आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताया हूं। तो दोस्तों, आपको खुद से करने के लिए आपको यूटैग एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहां से आपको डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे यहां से आप डीमैट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको पहले के ही जैसा प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहां यानी कि सबसे पहले यहां पे आपको फर्स्ट नेम टाइप करना रहेगा। फर्स्ट नेम टाइप कर लेंगे, उसके बाद यहां पे नीचे में आपको लास्ट नेम टाइप करना है। जो भी आपने पहले लास्ट नेम टाइप किया था वही सब टाइप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे वही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको करना है क्या, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको करना है क्या, उस OTP को यहाँ पे डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटर पेन में आपको अपना पेन नंबर डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना यहाँ पे पेन नंबर डाल लेता हूँ। पेन नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आपके जो भी पेन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपको ये कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से करना है क्या, प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वेरीफाई पर्सनल डॉक्यूमेंट। तो आपको सिंपल सा कैमरा के आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपना फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप यदि व्हाट्सएप से करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, यदि आप गैलरी से करना चाहते हैं तो अपलोड नाउ पर क्लिक करना है। अपलोड नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड डालने के लिए आपको सिंपल सा ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा के भी आइकन देखने को मिलेगा। यदि आप कैमरा से फ़ोटो लेके करना चाहते हैं तो कैमरा पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास गैलरी में से फ़ोटो लेना है तो सिंपल सा आप गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ से गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये मेरा अपलोड हो चुका है पैन कार्ड। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। गैलरी से आपको लेना है तो सिंपल सा आपको गैलरी से आपको क्लिक कर लेना है। चलिए, मैं गैलरी में ले लिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर डाल रखा हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है दोस्तों आपको वो पूरा क्रॉप कर लेना है और अपलोड एंड क्रॉप पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे यहाँ से आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देर यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये अपलोड हो जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देख सकते दोस्तों अपलोड हो गया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डालना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी आप एडिशनल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे योर मार्केट एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी आपका मार्केट का एक्सपीरियंस है वो दे सकते हैं। यदि आप नए हैं तो आपको न्यू टू मार्केट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते दोस्तों योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यदि अभी आप श्योर नहीं है तो आप नो श्योर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं योर रिक्स, आप यहां पे रिक्स कितना लेना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस कोई ऑप्शन में से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो नो श्योर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं आपको इसमें से किसी प्रकार के आपके पास जवाब है तो दोस्तों आप इसको जवाब दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं कोई जवाब है तो यहां पे दोस्तों आप नो आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं यहां पे अभी नो आंसर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से दोस्तों मैं नीचे में भी नो आंसर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको करना है क्या, सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे यहां से आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे
तो दोस्तों यहां से अब आपको लास्ट में ई साइन करना बाकी रह जाता है। तो दोस्तों आपको ई साइन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही यहां से आप ई साइन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे दोस्तों यहां पे थोड़ा सा देर आपको प्रोसेस होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे यहां से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे 30 मिनट का समय बता रहा है। दोस्तों यहां पे 30 मिनट नहीं लगेगा, दोस्तों आपको कुछ ही समय यहां पे वेट करना है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों मैं यहां पे वेट कर रहा हूं और यहां पे प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों जैसे यहां से देख सकते हैं मेरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको सिंपल सा एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहां से आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से आपको यस पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं दोस्तों सेलेक्ट ई साइन मेथड। यदि आप आधार कार्ड से करना चाहते तो सिंपल सा आपको करना है क्या, आधार कार्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहां से आप आधार कार्ड पे क्लिक कर लेंगे तो यहां से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसेस टू ई साइन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे यहां से आप प्रोसेस टू ई साइन पे क्लिक करेंगे तो यह आपको डायरेक्टली NSDL के वेबसाइट पे ले आएगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और आप अपने आधार कार्ड का VID नंबर या अपना आधार नंबर यहां पे टाइप करना है। दोस्तों जैसे यहां से आप अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे उसके बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। तो दोस्तों आपको करना है क्या, उस OTP को यहां पे डाल लेना है। OTP को डाल लेने के बाद उसके बाद आपको करना है क्या, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे यहां से आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे प्रोसेस हो रहा है। और दोस्तों जैसे ही ये प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट होता है और देख सकते हैं दोस्तों मेरा डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली यहां पे ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे A to Z मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है और यहां पे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कोड भी आ चुका है, यानी कि यहां पे मेरा डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो दोस्तों यदि आप इतना प्रोसेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप खुद से कर सकते हैं। यदि आप इतना सारे प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो मैंने पहले वीडियो बनाया है जितना आपको प्रोसेस करना है उसके बाद आपको कंपनी को आपको आधार कार्ड और यहां पे पैन कार्ड और आपको अपना सिग्नेचर यदि आप कंपनी को व्हाट्सएप कर देंगे तो दोस्तों कंपनी आपको खुद ये सभी आपको काम करके कंपनी खुद दे देगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा कि किस प्रकार से डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।